क्यों जा रही हैं नौकरियां? बात गंभीर है, मुस्कुराने वाली बिल्कुल नहीं है, और जिसके साथ होता है वही जानता भी है। दुनिया भर में नौकरियां जा रही हैं, हर रोज किसी एक सेक्टर से या किसी कंपनी से कुछ हजारों लोगों को निकाल दिए जाने की खबरें सामने आ जाती हैं। अब देखिए ना, बहुत सारे उदाहरण हैं। ट्विटर में एलन मस्क के आते ही 50% लोगों को काम से निकाल दिया गया। हमारी वेबसाइट dnaindia.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न से लगभग 20,000 कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। अमेज़न वही साइट जिससे आप रोज की शॉपिंग करते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा से 13,000 लोगों को निकाल दिया गया। भारत से अपना कारोबार छोड़कर जा चुकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने 3,500 से अधिक लोगों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। बस इतना नहीं है, पेप्सी, बाईजूस, माइक्रोसॉफ्ट, बजफीड, न्यूज की बहुत सारी वेबसाइट, अडोबी, दुनिया की तमाम बड़ी एमएनसी से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ऐसा तब हो रहा है जब साल भर पहले ही इन कंपनीज ने अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स में बम पर नौकरियां निकाली थी। अभी नौकरी मिलने की खुशी गई नहीं थी कि ले ऑफ्स पर बात आ गई। पर ऐसा हुआ क्यों, समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए डीएनए प्लस के इस दूसरे एपिसोड में। मानिए ना मानिए, वो बीमारी भले ही जा चुकी है और हमारे चेहरों से नकाब उतर गए हैं, पर उस बीमारी का साया इस दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरे और लंबे समय तक रहेगा। दुनिया भर में कोविड से पहले महंगाई की दर, जिसे आप इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं, 6.62% थी। कोविड के दौरान पूरी दुनिया थम गई थी, उस समय 5.1% की रेट पर हम लोगों ने इन्फ्लेशन को झेला। लेकिन अनुमान ऐसा माना जा रहा है कि ये 7% पर भी जा सकता है। इन चीजों के दामों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया किस गहरे संकट में है। दिसंबर 2019 में 1 लीटर दूध का दाम जहां 55 रुपए था, वहीं दिसंबर 2022 में ये दाम 64 रुपए हो गया है। पेट्रोल की कीमत जहां 2019 में 76.86 पैसे थी, तो 2022 के दिसंबर में 96.72 पैसा। वहीं डीजल की कीमत 2019 में 65.84 पैसा थी, तो दिसंबर 2022 में 89.62 पैसा। 10 ग्राम सोना, जी हां, गोल्ड की बात कर रहे हैं, 10 ग्राम सोने की कीमत दिसंबर 2019 में 35,490 रुपए थी, और दिसंबर 2022 में 50,000 छूने जा रही है। गरीबों का आहार कही जाने वाली दाल भी अब चिकन से मुकाबला कर लेती है। दिसंबर 2019 में चने की दाल की कीमत करीब 65.92 पैसे थी, और अब वही चने की दाल 90 रुपए में मिलती है। इन चार चीजों के दाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दुनिया भर में महंगाई लोगों की जिंदगियां प्रभावित कर रही है। दरअसल जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए हर बड़े देश ने बाजार में लिक्विडिटी का फ्लो तेज कर दिया। इसका असर यह हुआ कि बाजार में महंगाई बढ़ने लगी। कोविड अटैक से निकलने की कोशिश हो ही रही थी कि यूक्रेन और रूस का संघर्ष शुरू हो गया। आप जानते हैं, रूस दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी और ग्रेन सप्लायर है। यूक्रेन और रूस के युद्ध ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, और बदले में गई हमारी नौकरियां। वर्क फ्रॉम होम यानी दफ्तर से काम करने की आदत लोगों की छूट गई, लेकिन इसका नुकसान हुआ उन लोगों को जो दफ्तर में काम करने के लिए बहुत जरूरी थे, जैसे एडमिन स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, कैब ड्राइवर्स। अब उनकी नौकरियां खतरे में आ गई। नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ, और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो देश में 6% ही संगठित क्षेत्र हैं। आर्थिक विषयों पर महीन जानकारी रखने वाले प्रोफेसर अरुण कुमार एक छोटी सी बात कहते हैं कि संगठित क्षेत्र का डेटा तो है, लेकिन नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर की आयरनी यह है कि ना तो सरकार के पास डेटा है और ना ही नामचीन एनजीओ के पास। तो कुल मिला के ये सारे लोग भगवान भरोसे हैं। लॉकडाउन के दौरान यूपीआई स्कैनर के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट तो की होगी आपने। कोविड एरा में लोग डिजिटली डिपेंडेंट हो गए, जिससे ट्रेडिशनल शॉप, मार्केट और दुकानदारों की आमदनी और बिजनेस प्रभावित हुआ। लोग ऑनलाइन स्टोर से कपड़े, ग्रोसरी, दवाइयां और अपने जरूरत की लगभग हर एक चीज को खरीदने लगे। लिहाजा ट्रेडिशनल शॉप पर लोगों का आना कम हुआ,
और ये शॉप्स लगभग बंद होने के कगार पर आ गए। इन शॉप्स पर मौजूद उन लोगों को नौकरी मिलनी बंद हो गई जो लोग यहाँ खड़े होकर आपको सामान दिखाते थे या साड़ियाँ खोलकर दिखाते थे, उनकी ज़रूरतें कम हो गई। हालांकि ये बात अलग है कि ऑनलाइन फूड सर्विस से लेकर होम डिलीवरी वालों को भी रोज़गार मिला, लेकिन ये उतना नहीं है जितना ट्रेडिशनल मार्केट के हाशिए पर आ जाने से बुरा हाल हुआ। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं एलिफेंट इन द रूम के बारे में, यानी कि क्या भारत में आर्थिक मंदी आ रही है। इस समय तक आप समझ गए होंगे कि जिस आशंका की बात हम कर रहे हैं, यानी नौकरियों का जाना या कटौती, भारत में मंदी आने के आसार हैं या नहीं, इसे समझते हैं थोड़ा। IMF और वर्ल्ड बैंक ये पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया में ये समय चुनौतियों से भरा हुआ है। यूक्रेन में संघर्ष, चीन में लॉकडाउन, सप्लाई चेन में बाधा और स्टैगफ्लेशन के कारण ग्रोथ प्रभावित होगी और बहुत सारे देशों के लिए मंदी से बचना मुश्किल होगा। IMF का कहना है कि ग्लोबल ग्रोथ इज फोरकास्ट टू स्लो फ्रॉम 6% इन 2021 टू 3.2% इन 2022 एंड 2.7% इन 2023। तो यहां तक आपने देख ही लिया कि हालात बड़े मुश्किल हैं और स्थिति डराने वाली है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। नौकरियां जा रही हैं ये सच है, लेकिन अंधेरा कितना भी गहरा हो जाए, रोशनी की उम्मीद हमेशा रहती है। इस मुश्किल दौर में भारत के हक में क्या है वो आपको बताते हैं। कोविड एरा के बाद से ही दुनिया भर के देश चीन पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहते। पिछले कुछ महीनों से चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण लॉकडाउन चल रहा था और इसके विरोध में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, जो हमने DNA प्लस के पिछले एपिसोड में आपको बताया भी था। अब इसी कारण से दुनिया भर की बड़ी कंपनियां चीन के बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है, कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ FTA साइन किया। भारत में महंगाई दर बढ़ी है, लेकिन अभी भी विकसित देशों के मुकाबले हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर है। आप सोच रहे होंगे कि हम नौकरियां जाने की बात करते करते इतने आशावादी कैसे हो गए। बात सरल है, नौकरियां जा रही हैं, मंदी दस्तक दे रही है, महंगाई ने सुरसा से भी बड़ा मुंह फाड़ लिया है और इस समय हर किसी को अपने अपने इष्ट देव याद आने लगे। लेकिन हमारी तरफ से आपको ये सलाह है कि इस समय आपको अपने परफॉर्मेंस को टॉप नॉच रखना चाहिए। इस समय EMI पर कुछ ना खरीदें, ना कोई बड़ा उधार लें, कोशिश करें कि अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। इस ले ऑफ में क्या कुछ खास है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप अपने काम को कैसे ठीक कर सकते हैं और आपकी कंपनी में तो ले ऑफ नहीं होने वाला है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DNA इंडिया का आर्टिकल इन डिटेल पढ़ सकते हैं। और वो तीन जादुई बातें जो मुझे आपसे कहने के लिए बोली गई हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। अगर आप ले ऑफ से घबरा रहे हैं तो आपके लिए बस एक सुझाव है, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपने काम पर काम कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखिए। इस समय आपको घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और नौकरी चले जाना या नौकरी लग जाना किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता। जीवन बड़ा है, अच्छा है और बेहतर होगा। DNA प्लस का ये एपिसोड देखने के लिए शुक्रिया। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।